नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं नुब्रा वैली में डिस्किट को विजिट करने के बाद शाम तक तुर्तुक पहुंच गया था। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे तुर्तुक को और देखेंगे यहाँ की अमेजिंग बाल्टी कल्चर को। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तुर्तुक में रहने को बहुत सारे होमस्टे हैं और मैंने इनमें से चूज किया था इस्माइल होमस्टे को। इस होमस्टे में मेरा स्टे काफ़ी कंफर्टेबल था एंड फूड वाज आल्सो अमेजिंग। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कंफर्टेबल एंड होमली स्टे देन आई वुड रिकमेंड दिस होमस्टे। बताता चलूं कि तुर्तुक गांव दो हिस्सों यूल और फारूल में बटा हुआ है और ये होमस्टे यूल में है। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुर्तुक। अभी मैं हूँ इस्माइल होमस्टे में। ये छोटा सा होमस्टे है, बिल्कुल एकदम घर वाली फीलिंग आती है क्योंकि एकदम बिल्कुल घर के अंदर ही है। ऊपर में तीन कमरे बनाए हुए हैं और नीचे उनका घर है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है। देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दो म्यूज़ियम्स हैं तो वो पहले मैं विज़िट करने की सोच रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से ज़ीरो पॉइंट का एक ट्रैक होता है जो आपका आई थिंक वाटरफॉल तक ले जाता है। तो वो ट्रैक मुश्किल लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी बाहर। ये होम स्टे काफ़ी, अगर आपको एकदम बिल्कुल घर वाली फीलिंग लेनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं बिकॉज एकदम घर वाली ही फीलिंग है। देखिए लोकल हैंडलूम भी है यहाँ पे, एक रज वगैरह बुनने के लिए। सो अभी मैं खाने जा रहा हूँ बकवीट का लोकल डोसा। ये देखिए ऐसा दिखता है, ये बकवीट का ये लोकल डोसा है। तो ये है चाय, ठीक है। ओके, तो डिफरेंट टेस्ट है। भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ श्योक नदी के किनारे बसा तुर्तुक भारत का इकलौता बाल्टी गांव है। वैसे तो आजकल ऐसे गांव बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जहां मॉडर्निटी ने अपनी छाप न छोड़ी हो, पर तुर्तुक में आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों साथ चल रहे हों और फ्यूचर की राह देख रहे हों। ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि तुर्तुक में जहां आपको नई जनरेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट और वाईफाई का इस्तेमाल करती हुई दिखेगी, वहीं आपको पुरानी जनरेशन आज भी अपनी सभ्यता और धरोहर को प्रिजर्व करने का प्रयास करते हुए। और यह पूरी तरह से आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप इसे पुराने और नए के बीच कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं या हार्मनी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि तुर्तुक की रिमोटनेस एक तरह से ऐसे गाँवों के लिए वरदान है क्योंकि ये उन्हें मॉडर्निटी के अथक हमलों से बचाती है और उन्हें अपने यूनिक कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का मौका देती है। जियोग्राफिकली तुर्तुक बाल्टिस्तान का हिस्सा है और उत्तर में काराकोरम रेंज और दक्षिण में ग्रेट हिमालयन रेंज के बीचों बीच बसा हुआ है। तुर्तुक 1971 तक पाकिस्तान के कब्जे में था और 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय इंडियन आर्मी ने तुर्तुक के साथ बोगदांग और तियाक्षी समेत 5 गाँवों को अपने कब्जे में कर लिया और तब से तुर्तुक भारत का हिस्सा है। तुर्तुक ब्लॉक के 5 गांवों को छोड़कर जो भारत का हिस्सा है, बाल्टिस्तान पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो तुर्तुक को आप इस रीजन यानी कि दक्षिण चोरबाट का हिस्टोरिकल कैपिटल भी मान सकते हैं क्योंकि तुर्कमेनिस्तानी याबगो डायनेस्टी जिसने इस रीजन पर करीब करीब 1000 साल तक राज किया था, उसकी राजधानी तुर्तुक ही थी। मैंने याबगो डायनेस्टी के आखिरी रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात की जो आप एपिसोड में आगे देखेंगे। हमें खुद को लकी मानना चाहिए कि 1971 के बाद से तुर्तुक भारत का हिस्सा है क्योंकि भारत में बाल्टी कल्चर को देखने और समझने के लिए शायद तुर्तुक के अलावा और कोई जगह नहीं है। तुर्तुक के मेन अट्रैक्शंस में से मेरा पहला स्टॉप था याबगो पैलेस एंड म्यूजियम जो कि यहाँ के राजा का महल हुआ करता था। 3 मंजिला ये इमारत कैटर एंड क्रिबिज स्टाइल में बनी हुई है जिसमें पत्थर और लकड़ी के ऑल्टरनेटिंग कॉलम्स होते हैं। यही शैली आपको हिमाचल प्रदेश के गांवों जैसे कि चेहनी कोठी में भी देखने को मिलती है जहां इसे लोकल भाषा में काठकोनी आर्किटेक्चर भी कहते हैं।
इस आर्किटेक्चर स्टाइल को हमने अपने तीर्थन वैली सीरीज में कवर किया था, जिसका लिंक मैं ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पैलेस में नीचे के फ्लोर्स का डिज़ाइन तुर्किश आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड और जो ऊपर के फ्लोर्स हैं उनका डिज़ाइन बाल्टी आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। इस पैलेस में आपको याबगो डायनेस्टी की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। इसी पैलेस में मैं इस डायनेस्टी के आखिरी रूलर से भी मिला और उनसे काफ़ी देर तक यहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी बात की। उनकी यहाँ की हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स की नॉलेज गजब की थी और उनसे बात करके लगा कि मैं किसी रॉयल फैमिली मेम्बर से बात कर रहा हूँ। इस पैलेस के ऊपर के फ्लोर राजा के मेहमानों के लिए हुआ करते थे और आज उन्हें म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहाँ पे आप उस जमाने के आर्टिफैक्ट्स, वेपन्स, पेंटिंग्स, क्वाइंस और राजघराने के लोगों की तस्वीरें भी देख सकते हैं। याबगो पैलेस में ही आप ट्रेडिशनल बाल्टी किचन को भी देख सकते हैं, जहाँ आपको पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और दूसरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो थी दोलटोक, जो ग्रेनाइट से बना हुआ बड़ा सा बर्तन होता था, इसका प्रयोग नॉनवेज पकाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा मुझे जर्मन सिल्वर से बनी हुई समोवर भी देखने को मिली, जिसका प्रयोग आज भी लद्दाख और कश्मीर में चाय और कहवा बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुर्तुक में आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये पानी से चलती हुई रहट यानी कि आटा चक्की है, जहाँ आजकल हर जगह इस पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह बिजली से चलने वाली आटा चक्कियों ने ले ली है, वहीं तुर्तुक में इसको देखना मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। हैट्स ऑफ टू द विलेजर्स फॉर प्रिजर्विंग समथिंग लाइक दिस। तुर्तुक दो हिस्सों में डिवाइडेड है और दोनों गांव के दोनों हिस्सों को जोड़ता हुआ ये ब्रिज है। अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे एक साइड तुर्तुक विलेज का, अभी चलेंगे दूसरी साइड। तुर्तुक में आप बाल्टी क्विजीन को भी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो लोकल बाल्टी क्विजीन सर्व करते हैं, पर आई वुड हाईली रिकमेंड द बाल्टी किचन। इस रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड द टेस्ट इज अमेजिंग। यहाँ मैंने बाल्टी नूडल सूप वाले और हिमालयन हर्बल टी ट्राई की एंड बोथ वर प्रीटी ग्रेट। तुर्तुक में याबगो पैलेस म्यूजियम के अलावा बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम भी है, जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आपको याबगो पैलेस में राजघराने के बारे में जानकारी मिलती है, तो बाल्टी हेरिटेज हाउस में आप आम बाल्टी लोगों के घरों और लाइफस्टाइल के बारे में जान पाएंगे। इस हेरिटेज हाउस में बाल्टी लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जिन्हें देखकर आपको उनकी लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो थी जूट यानी कि स्टोर रूम। अपेरेंटली इस स्टोर रूम में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, और अगर घर वाला चाहे तो गांव के और भी लोगों को अपने स्टोर रूम की जगह उनकी ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए दे सकता था। इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी सर्विस ऑफ द बाल्टी पीपल। इसके अलावा एक और बेहतरीन कम्युनिटी ओन्ड स्ट्रक्चर है तुर्तुक में, जो इक्वली अमेजिंग है। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल कोल्ड स्टोरेज की। तुर्तुक में पहाड़ों के ठीक नीचे पत्थरों से बने हुए कोल्ड हाउस हैं, जिन्हें लोकल भाषा में नांगचुक बोलते हैं। बेसिकली ये कोल्ड स्टोरेजेस पत्थरों के बने हुए अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, जिनमें पत्थरों के बीच में जगह होती है ताकि एयर पास हो सके। इस वजह से ये स्टोरेजेस गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। इनका प्रयोग बटर, मीट, वूल जैसी पेरिशेबल चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये स्टोरेज साइट कम्युनली ओन्ड है और गांव के लोग इन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तुर्तुक में बाल्टी लोगों के यूनिक कल्चर और लाइफस्टाइल को देखने के अलावा आप चाहें तो वाटरफॉल तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जहां से आपको काराकोरम रेंज की आसमान को छूती हुई चोटियां दिखाई देती हैं। मेरा प्लान तो था इस ट्रैक को करने का, पर मौसम ने मेरे प्लान्स की बैंड बजा दी। चूँकि लद्दाख हिमालय का रेन शैडो एरिया है, यहाँ बारिश रेयरली होती है और मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। पर कमाल की बात यह थी कि जिस दिन मैं तुर्तुक में था उस दिन पूरे दिन बरसात होती रही, जिसकी वजह से मुझे आउटडोर वाली एक्टिविटीज़ को कैंसिल करना पड़ा। नीडलेस टू से दैट आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड, बट क्या ही कर सकते हैं। पर एनीवे, तुर्तुक में इसके अलावा और भी करने को और देखने को बहुत कुछ है। फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो लोकेशन देख रहे हैं वो तुर्तुक का ग्रेवयार्ड है। जस्ट लुक एट द प्लेस, व्हाट अ प्लेस टू लाइन इटर्नल स्लीप। मैं ये दिखाता हूँ आपको आगे से।
और आप मेरे पीछे जो दूर पहाड़ी पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है तुर्तुक मॉनेस्ट्री। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रास्ता किधर से जाता है वहाँ। ये देखिए आप, किधर से जाया जाए कुछ समझ आ नहीं रहा है। सोच रहा हूँ आगे से जा करके देखता हूँ कि क्या रास्ता है। दोस्तों ये है तुर्तुक मॉनेस्ट्री। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता है किधर से जाया जाए। अभी मैं ऊपर थोड़ा सा चढ़ गया हूँ और मेरे पीछे नज़ारा देखिए आप। और ये है छोटी सी पगडंडी। ये ले जाएगी मॉनेस्ट्री तक। ओके। अच्छा, इधर से रास्ता था नीचे से आई थिंक। तो यहाँ से रास्ता था सीढ़ियों से। और ये है मॉनेस्ट्री पहुँचने का रास्ता। मेरे पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये है रास्ता तुर्तुक मॉनेस्ट्री पहुँचने का। और वो रही ऊपर में मॉनेस्ट्री। और ये देखिए पहाड़ों के बीचों बीच ऊपर बनी हुई है। ये रहा आपके बड़े बड़े पहाड़, ये देख रहे हैं। मौसम थोड़ा अच्छा होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अभी भी थोड़ी बारिश कम हुई, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही अभी। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जब आप मॉनेस्ट्री की तरफ जाएंगे तो मेरी तरह कन्फ्यूज मत होइएगा। ये है मेन जो गेट है, ये गेट है, और इधर से आप जब जाएंगे तो ये सीधा रास्ता जो है वो सेमेट्री को चला जाता है। और ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये ऐसे ये आपका मॉनेस्ट्री ले जाएगी। इट्स ईजी टू मिस दिस स्टेयर्स क्योंकि बड़े ही नौकुस से हैं। और दोस्तों मैं आपको भी दिखाता हूँ तुर्तुक का पोलो ग्राउंड, ये देखिए सामने। ये रहा आपका पोलो ग्राउंड। सो पोलो के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे यहाँ के लोकल ने ये बताया था कि पोलो की जो ओरिजिन हुई थी वो बाल्टिस्तान में ही हुई थी। और पोलो का मतलब गोल चीज़ होता है, तो जैसे गेंद जिसे हम कहते हैं उसी को पोलो कहते हैं। और यहाँ से चूँकि बहुत सारे रास्ते गए हुए हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया, चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, तो इसलिए पोलो यहीं से ओरिजिनेट होकर के स्प्रेड हुआ इन सारी जगहों पे। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने देखा तुर्तुक के यूनिक बाल्टी कल्चर को। अगले एपिसोड में हम चलेंगे लद्दाख की बहुत ही खूबसूरत लेक पैंगोंग त्सो के सफर पर। सो डोंट गो एनीवेयर। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप स्माइलिंग। थैंक यू।